स्वागत है दोस्तों आपका एनके क्लासेस में। आज हम प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और हम उसे कैसे फाइंड करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स पढ़ लिए थे, हमने उसको दो पार्ट में कम्प्लीट करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख लीजिए ताकि ये जो आगे वाले टॉपिक्स है वो आपको इजिली समझ में आ जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो सारे टॉपिक्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। मीन्स जब आप पिछले वीडियोस नहीं देखेंगे और डायरेक्ट ये वाले वीडियोस देखेंगे, ये वाले टॉपिक्स करेंगे, तो आपको बहुत सारे डाउट आ सकते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से, तो आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चालू करते हैं आज का टॉपिक, प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो हमारा जो प्लेन होता है उस पर हमने शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा है कि शियर स्ट्रेस क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होती है। बाकी वो हमने क्या है कि एक ही प्लेन पे पढ़ा है। मीन्स अगर हम उसको थीटा डिग्री रोटेट कर देते हैं या किसी थीटा डिग्री पे हम देखते हैं कि उस पर क्या स्ट्रेस आती है, क्या नॉर्मल स्ट्रेस आती है, क्या शियर स्ट्रेस आती है, तो वो अभी तक हमने फाइंड नहीं करी है। तो हम इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हम किसी भी थीटा डिग्री पे कैसे हम नॉर्मल स्ट्रेस और जो हमारी शियर स्ट्रेस है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन किस प्लेन को बोलते हैं और जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है वो क्या होती है। सो प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जहां पे आपका जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो हो। मीन्स जो आपका शियर, दो टाइप्स की स्ट्रेस होती है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो जिस भी प्लेन पे आपकी जो शियर स्ट्रेस है वो अगर जीरो होगी तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। अब उस प्लेन पे जो आपकी स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होगी या डेवलप होगी वो स्ट्रेसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो गाइज बहुत सिंपल है, वो प्लेन जहां पे आपका शियर स्ट्रेस जीरो हो वो प्लेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और उसमें जो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होती है उस स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो द प्लेन्स विच हैव नो शियर स्ट्रेस आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन्स। दिस प्लेन्स कैरी ओनली नॉर्मल स्ट्रेस, उस प्लेन में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस ही होती है, शियर स्ट्रेस नहीं होती है। द नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन ए प्रिंसिपल प्लेन आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और उन प्लेन्स पे जो स्ट्रेस एक्ट करती है उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो वो सिंपल है, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन जहां पे आपका शियर स्ट्रेस जीरो, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस उस प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाली स्ट्रेस। तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होती है। पहली जो मेथड होती है वो एनालिटिकल मेथड होती है, मीन्स हम न्यूमेरिकल्स की तरह से फॉर्मूले लगा के उनको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी जो मेथड होती है वो हमारे पास ग्राफिकल मेथड होती है, तो हम ग्राफ की मदद से भी जो हमारे स्ट्रेसेस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। जो ग्राफ की मदद से हम करेंगे वो हम मोर सर्कल मेथड है उससे देखेंगे। सो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स, एक होती है हमारे पास एनालिटिकल मेथड और एक होती है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन। सो मान लीजिए कि ये हमने एक बार कंसीडर कर रखा हुआ है जिसपे दोनों डायरेक्शन में क्या लग रही है, स्ट्रेस लग रही है। ये जो स्ट्रेस है वो सिग्मा वन है और ये जो स्ट्रेस है वो सिग्मा टू है। अब यहां पे कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लग रही है, शियर स्ट्रेस कितनी है यहां पे गाइस, जीरो है। तो वो प्लेन कौन सा हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल प्लेन, और उस पे जो लगने वाली स्ट्रेस कौन सी हो जाएगी, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब यहां पे दो स्ट्रेसेस है सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, तो ये जो दो स्ट्रेसेस है इनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है इसमें एक गाइस क्या होती है, मेजर, और एक क्या होती है, माइनर। सो सिग्मा वन और सिग्मा टू में जो बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा वन और सिग्मा टू में जो छोटी स्ट्रेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर
प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस दो तरह की होती है, एक होती है आपकी मेजर और एक होती है आपकी माइनर। मेजर जो दोनों में से बड़ी रहेगी उसको हम बोल सकते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो दोनों में से छोटी रहेगी उनको हम बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो ये हमने बार कंसीडर करा है जिसपे सिग्मा वन और सिग्मा टू लग रहा है, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई, मान लो ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो सिग्मा वन है वो आपकी है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो सिग्मा टू है वो है आपकी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब हमको ये जो एफ सी सेक्शन है, एफ सी सेक्शन थीटा डिग्री इंक्लाइंड है आपका जो माइनर प्रिंसिपल प्लेन है वहां से। तो अब हम क्या इस प्लेन पे जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है वो कितनी होगी और जो आपकी टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो कितनी होगी, यही हमको फाइंड करना रहता है कि किसी भी थीटा एंगल पे आपकी उस सेक्शन पे, जैसे ये वाला सेक्शन कौन सा है एफ सी है, तो ये वाले एफ सी पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है और आपका शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होता है। तो ये आपका जो सिग्मा एन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और जो आपका ये सिग्मा टी है इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये शेयर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। सो सिग्मा टी आपका हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस और सिग्मा एन हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस, और ये आपका कितने थीटा डिग्री इंक्लाइंड है इस एक्सिस से, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस और सिग्मा टू सिग्मा टी टेंजेंशियल स्ट्रेस, और ये किसके लिए है, ये इस एफ सी सेक्शन के लिए। जो हम पहले निकालते थे वो हम बी सी सेक्शन के लिए निकालते थे, मीन सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये किस सेक्शन के लिए होता था, ये बी सी सेक्शन के लिए होता था, पर अब हमको बी सी सेक्शन के लिए नहीं निकाल के एफ सी सेक्शन के लिए निकालना है। सो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो अलग होंगे। तो हम देख लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस एफ सी सेक्शन पे कितना होगा और टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा टी जो है वो एफ सी सेक्शन पे कितना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस अक्रॉस सेक्शन एफ सी। सो हम ये देखते हैं कि सिग्मा एन कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू इंटू कॉस टू थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला है गाइस, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू इंटू कॉस टू थीटा। सिग्मा वन सिग्मा टू जो आपके है वो मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। नाउ हम देखते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस सेक्शन एफ सी के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा टी इज इक्वल्स टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू इंटू कॉस साइन टू थीटा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए हो जाएगा सिग्मा टी, और ये वाला जो फॉर्मूला ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, जो भी किसी भी थीटा डिग्री पे अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस पूछे तो हम इन दो फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट आता है गाइस वो कितना आता है। सो सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा वो जो एफ सी सेक्शन है वो है, ये हमने देखा कि वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है और इसके अलोंग जो होगा वो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। तो जो आपका रिजल्टेंट है वो यहां पे कहीं आएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा टी का स्क्योर प्लस सिग्मा एन का स्क्योर। और ये फाई जो है इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक्विटी, जो फाई है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्लिक्विटी। और वो कैसे डिफाइन होगा, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस से कितने डिग्री पे है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्विटी। सो द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द नॉर्मल प्लेन इज नोन एज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, इट इज डिनोटेड बाय फाई। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। और अगर ज्योमेट्री से लिखे तो टेन फाई हम कितना लिखेंगे, सिग्मा टी बाय सिग्मा एन, फाई हमको निकालना है। तो फाई क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स सिग्मा टी बाय सिग्मा एन। सो ये हमारा फॉर्मूला है गाइज किसके लिए, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा सिग्मा टी है उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं या टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो हम देखते हैं कि वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो सिग्मा टी मैक्सिमम,
तो सिग्मा टी की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये जो साइन 2 थीटा है ये मैक्सिमम होगा। सो साइन 2 थीटा कितना, हम इक्वल्स टू 1 रखेंगे, 2 थीटा हमारा कितना हो जाएगा 1 होने के लिए, या तो ये 90 होगा या 270 डिग्री होगा। सो 90 और 270, 2 हम नीचे ले जाएंगे तो या तो 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री। तो जो आपका थीटा है वो या तो कितना होना चाहिए 45 डिग्री, या तो फिर कितना होना चाहिए 135 डिग्री। सो अगर हम साइन 2 थीटा 1 रखेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो कितना जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, मीन्स मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे एक नोट करने वाली चीज ये है कि जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है हमने यहां पे कैसे ले रखे हैं, टेंसाइल ले रखे हैं। अब अगर क्वेश्चन में आपको कंप्रेसिव दे तो आपको वो साइन के साथ रखना है, मींस अगर आपको कोई सी भी स्ट्रेस जो है या मेजर या माइनर अगर वो माइनस में दे रखी, कंप्रेसिव दे रखी है, तो हम उसको कैसा लेंगे, माइनस सिग्मा लेंगे। मींस अगर सिग्मा 2 आपको कंप्रेसिव दे रखी है तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा 2। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि अगर टेंसाइल हो तो हमको सिग्मा पॉजिटिव ही पुट करना है इसमें, जो फॉर्मूले हमने देखे, अगर वो कंप्रेसिव है तो वो हमको साइन के साथ पुट करना है, मींस हमको माइनस के साथ पुट करना है। बात कर लेते हैं थीटा की, तो अगर हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो जो एंगल है विथ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है कितने डिग्री है, थीटा डिग्री है, तो हम उसको थीटा ही कंसिडर करेंगे। पर अगर उसने हमको ऐसा बोल रखा है कि वो जो है इंक्लाइंड है विथ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, कितने डिग्री मान लो इंक्लाइंड है, 60 डिग्री, तो आपका जो थीटा हम वहां पे कंसिडर करेंगे वो हम करेंगे 90 माइनस थीटा, मींस 90 माइनस 60, तो हमारा जो एंगल है वो कितना जाएगा, 30 डिग्री। सो ये इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये बहुत डिफरेंस डाल देता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है ये पॉइंट कि विथ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जितना दे रखा है उतना ही लेना है। अगर उसने बोल रखा है विथ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो फिर आपको वो जो एंगल है कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है उसको आप 90 में से माइनस कर देंगे, तो आपका जो भी एंगल है वो आ जाएगा। सो हमने अभी चार चीजें पढ़ी है इसमें। सबसे पहले हमने देखा कि हम नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, फिर हमने देखा कि हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एंगल थीटा पे, फिर रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अंडर रूट सिग्मा टी का स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर अंडर रूट। ऑब्लिक्विटी कैसे निकाल सकते हैं, फाइ इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स सिग्मा टी बाय सिग्मा एन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, सिग्मा टी मैक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। और ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, ये मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। ये जो स्ट्रेस है वो प्रिंसिपल प्लेन पे लगती है, और प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जहां पे शियर स्ट्रेस जीरो हो। यहां पे आपका कोई भी शियर स्ट्रेस जब हमने बार कंसीडर करा था तो वहां पे हमने कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं ली थी, मींस वहां पे आपकी जो शियर स्ट्रेस थी वो क्या थी, जीरो थी। तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन, और वहां पे जो स्ट्रेसेस आती है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब वो दो प्लेन में होती है, तो जो ज्यादा होगी वो हो जाएगी हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो जो कम होगी वो हो जाएगी हमारी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब इसका क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि ये और अच्छे से हमको समझ में आ सके। सो क्वेश्चन लेते हैं गाइस। द टेंसाइल स्ट्रेसेस एट ए पॉइंट अक्रॉस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर 120 न्यूटन पर एमएम स्क्योर एंड 60 न्यूटन पर एमएम स्क्योर। तो हमको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 गिवन है, एक है 120 न्यूटन पर एमएम स्क्योर और दूसरा है 60 न्यूटन पर एमएम स्क्योर। डिटरमाइन द नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ए प्लेन इंक्लाइन एट 30 डिग्री विथ माइनर प्रिंसिपल प्लेन। सो हमको नॉर्मल टेंजेंशियल और रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करना है कहां पे, 30 डिग्री विथ माइनर प्रिंसिपल प्लेन। सो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास सिग्मा 1 गिवन है 120 न्यूटन पर, सिग्मा 2 आपको गिवन है 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अभी हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में जो दोनों स्ट्रेसेस है वो कैसी है, टेंसाइल स्ट्रेसेस है, तो वो दोनों कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी।
फिर हमको थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, क्योंकि ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से दे रखा है, तो वहां पे हम कितने लेते हैं 30 डिग्री लेते हैं। अगर ये मेजर हो जाता तो इसको हम 90 से माइनस कर देते हैं। चलिए अब हम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। सो नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू इंटू कोस टू थीटा। तो गाइज ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। अब यहां पे हम जो भी हमारे पास वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा वन आपका कितना है 120, सिग्मा टू आपका कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा वन है आपका 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2 कोस 2 इंटू जो आपका थीटा है वो कितना है 30 डिग्री। सो गाइज इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 90 टू 30 कोस 60 डिग्री। सो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो 90 प्लस 30 इंटू कोस 60 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास गाइज 105 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया, नॉर्मल स्ट्रेस। अब हमको क्या निकालना है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो गाइज अब हमको निकालना है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितनी होगी, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू इंटू साइन टू थीटा। ये हमारी क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो सिग्मा वन की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे 120 माइनस सिग्मा टू कितना होगा हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 इंटू थीटा कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25.98 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, सिग्मा टी, मींस ये हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस आ गया। अभी हमको रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है। सो रिजल्टेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा टी का स्क्वायर प्लस सिग्मा एन का स्क्वायर। सो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सिग्मा टी हमारे पास कितना है 25.98 का स्क्वायर इंटू 105 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 108.16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो गाइस सिंपल था, सिर्फ आपको फॉर्मूले रिमेम्बर होने चाहिए, सिग्मा एन क्या होता है, सिग्मा टी क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, और यहां पर आपको थीटा का ध्यान रखना है कि वो किस एक्सिस के अबाउट दे रखा है। अगर माइनर के दे रखा है तो थीटा ही लेंगे, और मेजर के अबाउट दे रखा है तो हम उसको 90 में से माइनस कर देंगे। उसके बाद आपका जो सिग्मा टी है वो आपका शियर स्ट्रेस होता है। अब हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस। दी स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए बार आर 200 न्यूटन पर एमएम स्क्योर टेंसाइल एंड 100 न्यूटन पर एमएम स्क्योर कंप्रेसिव। तो यहां पे आपको जो स्ट्रेस दे रखी है वो एक टेंसाइल दे रखी है और एक कंप्रेसिव दे रखी है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्ट्रेस, हमको रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करना है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मीन्स हमको ऑब्लिक्विटी भी फाइंड करना है कि कितने एंगल पे वो है। ऑन ए प्लेन इंक्लाइन एट 60 डिग्री विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब ये जो इंक्लाइंड है वो किस एक्सिस के अबाउट है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन के अबाउट है। डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो हमको रिजल्टेंट निकालना है और शियर स्ट्रेस निकालना है मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिख लेते हैं, गिवन। सो गिवन सिग्मा वन हमारे पास कितना है 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा टू कितना है, अब यहां पे जो आपका सिग्मा टू है वो 100 है, पर ये कैसा है, कंप्रेसिव है, तो इसको हम कितना लेंगे माइनस 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हमको थीटा दे रखा है कितना 90 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि जो आपका इंक्लाइंड है वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन के अबाउट है, तो हम उसको 90 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा थीटा कितना जाएगा गाइस 30 डिग्री। नाउ रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना पड़ेगी। तो नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू इंटू कोस टू थीटा। सो गाइज इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे,
तो हमारी अब जो सिग्मा टू है आपका कैसा है, नेगेटिव है, तो वहां पे हम माइनस 100 लिखेंगे। ये आपका प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एन कितना जाएगा, 125 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब हम सिग्मा टी निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अब सिग्मा वन कितना रखेंगे, 200, ये माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री। तो जो आपका सिग्मा टू है वो कितना जाएगा, 129.9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो जो आपका रिजल्टेंट है वो कितना जाएगा, सिग्मा टी का स्क्वायर प्लस सिग्मा एन का स्क्वायर। सो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं गाइस, ये आ जाएगा आपके पास 125 का स्क्वायर प्लस 129.9 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180.27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, बट ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड निकला है। अभी क्या निकला है हमारा, मैग्नीट्यूड। अभी क्वेश्चन में हमको क्या डायरेक्शन भी निकालने को बोला है। सो डायरेक्शन क्या होता है, जो ऑब्लिक्विटी एंगल है वो हम निकालेंगे, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। तो चलो उसको देखते हैं, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। सो टेन फाई हमारा क्या होता है, सिग्मा टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एन। सो टेन फाइव इज इक्वल्स टू सिग्मा टी आपका कितना है, 129.9, और सिग्मा एन आपका कितना है, 125। तो ये कितना आ गया, 1.04। तो फाइव इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1.04। सो फाइव आपका आ जाएगा 46 degrees 6 minutes। तो ये हमारा क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया गाइस, कि वो कितने जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल से कितने एंगल पे। अब हमको क्वेश्चन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी पूछा है। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, हमारे पास सिग्मा टी मैक्स का जो फॉर्मूला है वो कितना था, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू, क्योंकि यहाँ पे जो साइन टू थीटा है वो वन हो जाता है। तो हम इसमें पुट करेंगे हमारी वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो इस तरीके से हमने किसी भी थीटा एंगल पे जो सेक्शन होता है, जो प्लेन होता है, उस पे हमने नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, कितने एंगल पे जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है जिसको हम ऑब्लिक्विटी बोलते हैं वो फाइंड करा। जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है जो कि 45 या 135 डिग्री पे इंक्लाइन होता है, उस वो निकाल के देखा। सो ये हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस आज इसका बेसिक पढ़ा हुआ है। अभी हम आगे वाले वीडियोस में और अच्छे से हम इसका एनालिटिकल मेथड देखेंगे और ग्राफिकल मेथड देखेंगे कि हम उससे भी कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनके क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।